দেখতিত মনে জানড় আসা সাকে দেখির দিখা রিতু हम दोनों सासू बहू बहुत दिनों के बाद आज किचन में लग रहे हैं। ब्रोकली की सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं शेयर करूंगी आज आपके साथ, तो ब्लॉग में बने रहिए। हेलो जी, राम राम, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे मौसम होंगे। और आज हम कौन सी गाड़ी में बैठे हैं? थाने बेरा बेवा हमने अपनी दोबा देती गाड़ी बेचती, तो आज किस गाड़ी में बैठ रहे हैं? अपना ब्लॉग लास्ट तक और मैं कित जाऊँ आपको भी दिखाऊंगी। बड़ा खुशी का दिन है, बड़ी ही खुशी की बात है, और ब्लॉग को लास्ट तक एंजॉय करना, बड़ा मज़ेदार ब्लॉग है। तो अभी हम जा रहे हैं सभी के सभी एक साथ, तो देखो देख दादी ने देख के राजी हो रही है गाड़ी देखने खातर। दादी नई गाड़ी आ गई अपनी, किसे लगी है दादी? जब बैठ के देख ले था, मैं तो थारी वीडियो बनाऊंगी, मैं तो जाऊंगी इसमें बैठ कर ना। इनमें तो हम तीन वापे बांट लेंगे। इन्ना का फूल और मान ले कच 5000 दे जी, 500 दियो लच्ची सो दियो मैं खा लियो। कितने करो इन्ना का चल दे पड़ की सभी और चितन। तो भाई खुशी मुंह में ठोर करा दो, गाड़ी ले आई देखी था और तू वेस्ट। गाड़ी में बैठ कर और मिला थी दादी बाजार में, मैं भी ब्याह बना के आई रहे हम। और जो कहाँ जा रहे हैं? व्लॉग बहुत मजेदार होने वाला भी आज का, लास्ट तक देखना, बड़े खुश है हम कहाँ जा रहे हैं। और मैं तो जरूर जाऊंगी, मेरा नहीं तैयारी शुरू करनी है हमने, और मेरी तैयारी शुरू हो गई है। ये देखिए कितनी राज्य हो रही, देखिए कितनी राज्य हो रही इतनी गाड़ी देख के, या देखो बैठ गई है, कहाँ जा रहे हैं अब। तो भाई ये देखिए हमारे गाँव की गलियों में से निकालते हुए, देखिए भाई जज्जर बस स्टैंड पे जाम लाग रहा, कुछ करोड़ा गुणी हो गए खड़े अंदर। ये देखो यार जज्जर बस स्टैंड भी इतनी गाड़ी सज रही है भाई, जगह जगह अंदर ही देख ली। जज्जर सिटी में आए हुए हम। तो भाई उर्वी ने तो नहीं बर्गर देख गया, बर्गर खाओ गया है नहीं उर्वी 20 का, और वो मारी उर्जो रानी सो गई। मम्मी का आज बर्थ है शुक्र का, मेरा भी बर्थ है। तो हाँ तो बर्थ ये चरण मैं करी तो दादी का, फिर पहले देख लिया किसा का फिर लेना। हम दोनों सासू बहू बहुत दिनों के बाद आज किचन में लग रहे हैं। आज सब्जी बनेगी हमारे घर में ब्रोकली की, तो ब्रोकली देखो इतनी सारी, एक फूल ले लिया है
और कैसे बनाएंगे वो भी शेयर करूंगी। बाजार में तो हम मांगे जिस काम खातर गए थे, खैर वो तो होया नहीं, मैं शेयर कर नहीं पाई क्योंकि वही था मेरा मुंह देख सको उतर रहा जितनी खुशी से मैं गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, कल देखांगे और वो कल देखूंगी, कल शेयर करूंगी। हाल फिलहाल सब्जी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ ब्रोकली की, और मुंह मीठा कर लो, वही गड्ढे आ गई है या खुशी थी बात। टमाटर तो कराऊंगी, टमाटर ले रही ना, काजू कतली इधर ही हमारा है उस तक करवा देंगी। हाँ बच रही हो तो मैं सारी निपटा गया भाई, थोड़ी बहुत बच रही है, ये तो छोटे घर गए तो बना लेते हैं सब्जी, कैसे बनाती हूँ बताती हूँ। तो भाई ये अब हम टमाटर काट लिए हैं, प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च, तो प्याज ना छोड़ गए, इन तीन ना कूट लेंगे, मम्मी कूटते हैं इतना, और इतना मैं इसने ऑयल गर्म हो गया है इसमें डाल लूँगी ये ब्रोकली हमारी गलती जी में हमारे। तो भाई कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है, उनको मम्मी बोला देख लिएगा तो जिखागा तेल में बनावा, हमारा घर में भाई देसी घी की खावा सब, और मैं लुकमा बनाया करूँ तेल में, तो मतलब ये थोड़ा आना कानी करते, खैर ये तो इतना आदत गेरी रखी है बनाया हैदराबाद उड़े में बनाऊँ कई बार उड़े भी चिखड़ लाग जा करें, तो ये कर लिया गर्म, इसमें डालेंगे अब हम, डाल लो तो ऑप्शनल है, डालो तो डाल दो बाकी टेस्ट सही हो जाए, गाजर हो तो थोड़ा बहुत वो भी डाल दो, जो सब्जी हो मतलब मिक्स सब बनाना चाहो तो बना सको, इसके गले हेल्दी बहुत होती है ब्रोकली, पराठे बहुत टेस्टी बनाया कर पनीर के ब्रोकली के, मैंने बहुत स्वाद लगे कर। मम्मी कूट रही है ऑयल, थोड़ा सा कम भी डाल सकते हो अगर अच्छा हो तो। अभी अच्छे से अल्ट पलट के मैंने ये फ्राई कर लिया हल्की सी, और अब इनको हम निकाल लेंगे, साथ में डालेंगे मटर और आलू, तो अभी निकाल लिया वापस, फिर इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, इसमें फ्राई करते टाइम थोड़ा सा कम भी यूज़ कर सकते हो ऑयल अगर आप ज़्यादा नहीं खाते तो, जो ज़्यादा खाते हैं थोड़ा जिनको मतलब थोड़ा और एक्स्ट्रा टेस्ट आ जाता है थोड़ा ऑयल वाली सब्जी में, तो ये गर्म कर लेते हैं, इसमें फिर हम डालेंगे अपना खड़े मसाले जो आप डालना चाहते हो, जीरा धनिया ना धनिया तेज पत्ता बड़ी इलायची या फिर दालचीनी जो भी डालो जो भी अवेलेबल हो वो डालो, मैं तो जीरा डालूँ और धनिया। दादी पोतियाँ की लड़ाई हो रही इनकी चीज़, एक धनी तो दिवाले ही नमकीन आ रहे, एक तो बेचारे तो सूखा धनिया दे दिया, ये देखिए ओह तो भैया प्याज के साथ नमक डालने से प्याज अच्छे से भुन जाते हैं, और फिर टमाटर डाल लेती हूँ, फिर टमाटर जो भुन गया ना 2 मिनट अच्छे भुन गया, तो अब इसमें मैं बिल्कुल सिंपल मसाले डालती हूँ, हल्दी मिर्च और थोड़ा अमचूर पाउडर डाल के अच्छे से भून लूँगी जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे। इस टाइम पे हम बिल्कुल हल्का सा 1 घूंट पानी डालेंगे, बिल्कुल 1 घूंट भाप में दिखा नहीं भाई, बिल्कुल 1 घूंट डाला मैंने, और अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से पकाएंगे जब तक तेल अलग ना दिखे, थोड़ा टाइम तो लगता है मसाला भुनने में, लेकिन फिर वही बात है टेस्ट अलग ही आता है ऐसे भुने हुए मसाले का सब्जी का। तेल अलग हो गया है मसाले से, तो इस स्टेज पे अब हमें आलू मटर डाल देंगे, कुंडी में हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च कुटा था ना, ये पानी डाल के ये भी यूज करेंगे हम, इसको 1 मिनट अच्छे से चला के भुनेंगे मसाला अच्छे से, ये आलू मटर कुछ कुछ पक जाएंगे तब इसमें हम ये वाला पानी अपना डाल देंगे, कुंडी वाला पानी हमने इसमें डाल दिया है, और अभी हम ब्रोकली अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी और डाल के इसको ढक के पकाएंगे 2-4 मिनट ताकि हमारा आलू और मटर अच्छे से पक जाए, कच्चापन ना रहे, क्योंकि ब्रोकली को तो हमने फ्राई कर ही लिया है अच्छे से, तो ये देखिए हरा धनिया तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। अभी बहुत अंडी खदड़का लागन लाग रहा सब्जी में देखो, और बहुत बढ़िया खुशबू
और ये मसाले भुने हुए की आप सूखी सब्जी पसंद करते हो तो उसको सूखी भी बना सकते हो, मतलब पानी कम डाल के मसाला भून के। और अगर आप तरी वाली रसदार बनाना चाहते हो तो वो बनाओ। मैंने देखो ना ज़्यादा पानी रखा है ना ज़्यादा सूखी, मतलब मीडियम टाइप की। और ये आलू हमारे देखो 50% पक चुके हैं, मतलब फिर तो आलू मटर भी हमारे 50% पक चुकी होंगी, तो ये 50% गल गए हैं। और अब इसमें हम अपनी ब्रोकली ऐड कर देंगे, इसको हम मिक्स कर देते हैं और मीडियम गैस पे इसको हम ढक के पकाएंगे 2-3 मिनट। 2-3 मिनट में बढ़िया पक जाएगी, मीडियम गैस कर दिया मैंने। तो इस प्रकार से हमारी ब्रोकली की सब्जी बन जाएगी, दिखाती हूँ कैसी बनेगी, खाएंगे जब। और हम कर लेते हैं रोटियों की तैयारी, सब्जी तो हुई है। हमारे पड़ोस में तरबा का खातर केक आ गया है, हमारे पड़ोस में बहू का जन्मदिन था, जन्मदिन की बधाई होगी तो तुम्हें वीडियो तो फिर देख दियो देख दियो तो ठीक है ना। दो खाओ भाई केक तो खाओ, देखो जिना देखो वीडियो, हां खाओ चीजी। तो ये सब्जी हमारी बनने लगी है, देख इसने भी चम्मच चाहिए और दूसरी और देख ये भी बनी मत कराए ना भाई, मानना ना करे भाई उसको, उड़े मैच पर रखे तन्नू बाण खाओ। हां ना हमारी तो छोरी तो न्यारी चीज दिया करो, अलग अलग बाल खाएंगे अलग अलग, ये तो हमारे तो बाल कैसे हैं, न्यारी न्यारी देनी चाहिए इनके तो कोई देवत। मामे भी मामे एक के ले आकर पछता, मामे दुखी हो जाए एक चीज में सब दी को नहीं। हाँ दादी ने पसंद आया भाई सब्जी, आए दादी बढ़िया लगी, अच्छा फिर तो ठीक है। दादी तेरे खातर मैंने नहीं बर्गर लिया था, दादी तेरा पत्ते बाजार में तेरी की मैं चीज ना लिया तेरे खातर, क्या ना लिया कि मैं चीज कौन है मन्ना अपनी बहू ना खवा लिया, अपनी माँ ना खवा लिया, अपनी छोरियों ना खवा लिया, तेरा पत्ता तेरा खातर ना लिया, देख कौन थी मैं भाई, मैंने दादी खातर बर्गर ले लिया था और फिर बर्गर ओड़ा गाड़ी का वो दिखाने लगे नहीं ओके कुछ कराने लगे होंगे, रुके होंगे मिस्त्री थोड़े 2 मिनट, तो मन्ना सोची घड़ा टाइम लगेगा वो बर्गर खा लिया मन्ना, तो फिर मन्ना सोची मैं तरह आऊंगी, मन्ना सोची भी कभी दादी खातर नहीं शामी गोलगप्पे की रेडी है मैं गोलगप्पे खाऊंगी, और फिर दादी खातर और तो बर्गर ले लूंगी मैं, बोले अग दुआऊंगा अग दुआऊंगा, वही सा अग आया दादी भी रहेगी मैं भी रहेगी, तो मारा ही अड्डा आ गया ठीक है। तो वही बात है रहेगी बेचारी, मेरा तो इतना होया कि कल जाके दे कल कल देखा, हां बोले आज के तो पूरे हो गए, कल की कसर रहेगी। इतनी शानी है पापा ने रोटी देने लग रही होई रही, और वा देख पक्के में बढ़िया सब्जी बना रही है तीजमा एक नंबर की, मजा आ गया ना, दादी ने भी सराई है। अरे दे ये भी सारी चट कर गए, बोलिया इतने तेल की कौन खाओगा वही कौन खाओगा, हाँ थोड़ा तेल थोड़ा ज़्यादा है मानू लेकिन बढ़िया बना रही है, बैठ सब्जी ने फैल करा आहा मजा आ गया। ओ मेरे लाडू तो अभी सारा काम निपटा लिया था और खा पी कर हम आ गए थे मम्मा बेटा अंदर, कई सारी वीडियो बनाई और भी सो गई अपनी दादी के पास, और यह देखा अभी तो सो इन 11 बज रहे हैं, तो मैं सोची चलो व्लॉग का कर देती हूँ एंड, क्योंकि मुझे अभी एकदम से याद आया मैं वीडियो बना रही थी, कई वीडियो बनाए मैंने इंस्टा पे और शॉर्ट वीडियो भी डाली है यूट्यूब पे, हरियाणवी कला पे भी डाली है और भी व्लॉग्स पे भी सोच रही थी, लेकिन अभी फिर मुझे याद आया कि भाई व्लॉग का एंड तो मैंने किया ही नहीं। तो आई होप कि आपने ये वीडियो फुल एंजॉय की होगी, की है ना बताना, मुझे नहीं की तो वो भी बताना। और वीडियो पे नए हो ना सॉरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरी आगे की और पिछली पुरानी वीडियो भी देख पाओगे, तभी तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, और साथ ही लाइक कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तभी मिलते हैं नेक्स्ट डे।
देखते क्या रहता है आने के बाद हमारा, कैसे टाइम जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। बोल दो बाय बाय। अरे बोल दो ना, अरे बोल दो ना, अरे थोड़ा सा तो बोल दो। ओ बोल दो ना मुंडू, देखी दिया नहीं दीदी खच क्या खा ए मुंड्रे। Thank you.